श्रीमती मनीषा वर्मा। पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा। बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ, हाथ हिला बेटा। कौन सी वाली लेडी पर है? अच्छा, वहाँ भीड़ बहुत है बेटा। आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी, पर मैं प्रयास करूंगा। आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा, आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेना, क्योंकि भीड़ बहुत है, आप आ नहीं पाओगे इसलिए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, ऐसे हिलाओ। ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई, और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करें? मेरा बीएड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का। 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव। मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर। बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठ कर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती, पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव। इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबेरेश्वर महादेव को याद करती सीहोर को, और कुबेरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गया मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ, और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिस जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी? मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए बाबू। अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया। कर दिया मारे। अगर धीरे धीरे आ सकती हो तो आ जाओ और बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति,
चंद्र वो घड़ी है। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वाले तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी